ऑर्डर आया उसे वापस ले लिया, हमने कानूनी कार्रवाई की, हमने उसकी अपील की। लेकिन अब दो दिन की बहस के बाद आज हाईकोर्ट में जब अनाउंस हो गया है, सारे उनके वकला थे और उनकी टीम भी थी पूरी लीगल टीम इलेक्शन कमीशन की, अभी अगर उन्होंने अगले पंद्रह मिनट में अगर उन्होंने इलेक्शन सिंबल ना डाला तो वो एक कंटेम्प्ट होगी। और अब फिर मेरा ख्याल है कौम भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हाईकोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगा और अदालतें भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि इतनी अगर खिलाफ वर्जी होगी ऑर्डर की। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अगले 15 मिनट में आप वो वेबसाइट पे देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे कदीम शहर से आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पेशावर हाईकोर्ट ने अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा ऑर्डर, तो इसके बाद कोई फॉर्मल देने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे कदीम शहर से आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पेशावर हाईकोर्ट ने अपनी इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत को आज कायम करते हुए अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था ज़बरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के ज़रिए छीना था, उस ऑर्डर को कलदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। और अपनी वेबसाइट पे उसको नोटिफाई कर दिया जाए। आप ये देखें कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था उसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताता चलूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये किया था कि एक जो इलेक्शन 20 दिनों में उन्होंने हुक्म दिया था, वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था पीटीआई का, वो जिस शख्स ने वो इलेक्शन जो पीटीआई का कमिश्नर था, जो मेरे साथ ही बैठे हैं जिन्होंने इलेक्शन करवाया, उनकी अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं थी, इसलिए पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम कलदम करार देते हैं। और चूंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलदम करार दे दिया है इसलिए हम पीटीआई को सिंबल नहीं देंगे। हमने ये चैलेंज किया था, आपको याद होगा कि एक सिंगल जज हाईकोर्ट के, उन्होंने सुनने के बाद स्टे ऑर्डर दे दिया था और कहा था कि सिंबल वापस करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो हुक्म नहीं माना था और उसके बजाय एक एप्लीकेशन दे के एक दूसरे सिंगल जज साहब से वो स्टे ऑर्डर फिर विकेट कर दिया था। आज और कल पूरी बहस सुनी डिवीजन बेंच ने पेशावर हाईकोर्ट के, और वहाँ हमने मौकफ इख्तियार किया और पेश किया उनके सामने कि इलेक्शन एक्ट 2017 ना तो इलेक्शन एक्ट 2017 ना जो पाकिस्तान का आईन है, ना कोई कानून है, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की जजमेंट है, इन सब के तहत, आईन के तहत भी, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत भी, जजमेंट्स के मुताबिक भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस को देखे और उनको कलदम करार दे दे और उसके बाद उनको सिंबल ना दे, क्योंकि सिंबल देना एक पॉलिटिकल पार्टी का आर्टिकल 17 जो हमारा आईन है उसमें बुनियादी हक है।
आर्टिकल 17 कहता है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जो ये कहती है कि आर्टिकल 17 में जो सिंबल है वो किसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी से लेंगे तो आप उसको एक तरह से डिसफंक्शनल कर देंगे, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं कर सकेगा, वो अपने कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में नहीं डाल सकेगा, इसलिए वो जो पार्टी है वो बेकार हो जाएगी। सो हमने ये जब मौकफ इख्तियार किया, आज शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज इंसाफ और कानून के मुताबिक जो पेशावर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है उन्होंने ये बात मानते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के जो आपने कलदम करार दिए, इसलिए आप उनका जो इलेक्शन सिंबल है बैट वो फॉरेन वेबसाइट पे डालें। हम इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि वो इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक तरह से हमारा मुखालिफ बन गया है और वो बेशक उनका हक है, वो जाएं, हम वहाँ भी तैयार हैं बहस करने के लिए। फिलहाल आज के दिन, इस वक्त जो मेरा ख्याल है 2:30 बज गए हैं, आज के दिन सिंबल पीटीआई का है और पेशावर हाई कोर्ट ने जिस तरह मैंने पहले भी कहा अपनी जो इंसाफ और कानून के मुताबिक रवायत है फैसले करने की उसको कायम रखा है और हम उनका भी शुक्रगुजार हैं और हम आप जो पूरी कौम जो हमारे लिए दुआएं कर रही थी और इस केस को देख रही थी और इसका इंतज़ार कर रही थी उसका भी शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने कहा है कि 2 दिसंबर के इलेक्शन के रिजल्ट को वेबसाइट पर डालूंगा जी, सर्टिफिकेट। और जो जिस तरह काजी अनवर साहब फरमा रहे हैं, हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फौरन, तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाते रहें लेकिन इस जजमेंट की उन्होंने कहा है कि फिल फॉर उसकी उस पर अमल दरामद होना चाहिए और हम देखते हैं कि अभी 15 मिनट बाद वो आता है वेबसाइट पे कि नहीं, क्योंकि वरना ये बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकला थे उन्होंने बहस अपनी कर ली हुई है, उन्होंने उनको पूरा मौका दिया गया और उसके बाद ये फैसला आया है। और अजीबोगरीब बात ये है कि और अदालत ने भी इसको नोट किया कि जो मेंबर थे अपने आप को कह रहे कि हम पीटीआई के मेंबर हैं, वो भी चाह रहे थे कि सिंबल ना मिले। तो ये एक अजीब व गरीब बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर वहाँ बहस कर रहे हैं कि पार्टी को सिंबल ना दिया जाए, तो उससे नज़र आता है कि ये सारा एक कंस्पिरेसी थी, एक कंस्पिरेसी के तहत ही ये एक्शन लिया गया था। जी, वो अपील फाइल कर जी, देखें वो तो अभी पेंडिंग है, वो तो उसका लाहौर हाई कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है आज के फैसले के बाद अब कोई और अब आज के जब इलेक्शन एक बार माना गया और उसके ऊपर हमें मिल जाता है बल्ला, तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें एक तरह से इंफ्रक्चर्स हो जाती हैं। जिस तरह मैंने कल भी बताया था और हाई कोर्ट में मैंने स्टेटमेंट दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे एक इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन चूंकि यहाँ बहस सुनी जा रही थी और इसका फैसला होना था, तो मैंने कल ही कमिटमेंट कर दी थी कि मैं विड्रॉ कर लूँगा सुप्रीम कोर्ट का, जो मैंने विड्रॉ आज करवा लिया। तो इसलिए देखें, ये मैं मानने को तैयार अब नहीं हूँ, अब बहुत हो गया क्योंकि इलेक्शन, ये जो पहला आपको याद है जब ऑर्डर आया था कि सिंबल वापस हमें मिला था एक इंटरिम ऑर्डर से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना था तो हमने बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड ऑर्डर आया उसे वापस ले लिया, हमने कानूनी कार्रवाई की, हमने उसकी अपील की, लेकिन अब 2 दिन की बहस के बाद आज हाई कोर्ट में जब अनाउंस हो गया है, सारे उनके वकला थे और उनकी टीम भी थी पूरी लीगल टीम इलेक्शन कमीशन की, अभी अगर उन्होंने अगले 15 मिनट में अगर उन्होंने इलेक्शन सिंबल ना डाला तो वो एक कंटेम्प्ट होगी और अब फिर मेरा ख्याल है कौम भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगा और अदालतें भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि इतनी अगर खिलाफ वर्जी होगी ऑर्डर की। तो इंशाल्लाह
उम्मीद यही है कि अगले 15 मिनट में आप वो वेबसाइट पे देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे कदीम शहर से आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत को आज कायम करते हुए अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था जबरदस्ती